हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, मैं जो आज बात करने वाला हूँ ये कि क्या हमें मॉक इंटरव्यू ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। होता क्या है कि ये टाइम वेस्टेज है या फिर बेनिफिट्स है इसका, तो इसको बिना वक्त हम ज़ाया करने ये हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो अभी आपको दिख रहा है टेलीग्राम का चैनल है हमारा, जिसमें कि आप यूपीएससी, बीपीएससी या फिर कोई भी पीसीएस से के तैयारी कर रहे हैं, जिसमें प्रीटी, मेंस या फिर इंटरव्यू से भी रिलेटेड कई सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे इस पर। तो ये सोशियोलॉजी के हैं। उस बाद जिसमें कि आप देख सकते हैं 697 सब्सक्राइबर्स थे उसके। उसके बाद अगर आप देखें तो उसके बाद इकोनॉमिक्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें 3800 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। सिमिलरली आपको इसमें जियोग्राफी वाले भी मिल जाएंगे, जिसमें अगेन 3400 के सब्सक्राइबर्स आसपास हैं। फिर हिस्ट्री के लिए भी अलग से हैं सब्सक्राइबर्स, पॉलिटी के लिए भी अलग से सब्सक्राइबर्स हैं। तो इतने सारे सब्सक्राइबर्स आपको मिल जाएंगे, तो ये बेनिफिशियल रहेंगे आपको मेंस की तैयारी करने के लिए भी। 66th यूपीएससी मेंस आ रहा है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। और खैर, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं, अगर मुझे वक्त मिला तो मैं उसका जवाब भी देता हूँ। वहाँ पर जा कर के आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं टेलीग्राम का जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, रिस्पेक्ट दिया है, सो दैट्स थैंक यू फॉर ऑल दिस। और आप क्या करें कि इस पर आप लिंक पर आप जा कर के क्या कर सकते हो कि टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप नए भी तो आप क्या करोगे कि डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर आप चले जाओ और वहाँ पर जाकर के हिस्ट्री वर्ल्ड, हिस्ट्री एंड आर्ट वर्ल्ड करके आप टाइप करोगे तो उससे भी आपको आ जाएगा। या फिर जियोग्राफी वर्ल्ड, सोशियोलॉजी वर्ल्ड, जो भी आप करोगे तो उस हिसाब से आपको सारे के सारे चैनल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज किसी एक में भी एंटर कर जाओगे तो उसके बाद आप सब पर सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो यही बात ये, हम जल्दी से बात करते हैं कि क्या इज इट नेसेसरी टू ज्वाइन एनी मॉक टेस्ट बिफोर एनी इंटरव्यू। तो जैसे कि ये सवाल है, तो इसमें हमने क्या करना है कि क्या ज़रूरी होता है मॉक टेस्ट ज्वाइन करना बिफोर एनी इंटरव्यू। तो देखिए, मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि मॉक टेस्ट क्या होते हैं, दैट इज जब द सिमुलेशन, एक तरह से सिमुलेट करते हैं उस सिचुएशन को, उस एटमोसफेयर को। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारी बेनिफिट होंगी। जैसे पहला बेनिफिट मैं बताऊंगा कि हेजिटेशन, जैसे अभी आपने देखा हेजिटेशन इसमें बहुत जल्दी ख़त्म होती है। लाइक आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, सेम तरीके से आप वहाँ पर भी बातचीत कर सकते हैं आराम से। अधिकतर लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते, जैसे कुछ नया चीज़ बोलना, लाइक क्या पार्डन बोलनी चाहिए, क्या सॉरी बोलनी चाहिए, क्या अभिवादन करने चाहिए, क्या थैंक यू हर दो दो मिनट पर कहनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको मॉक टेस्ट से पता चलती हैं। दूसरा आपने देखा कि फ्लुएंसी, तो फ्लुएंसी में मतलब कि आप वाक पट्टू हो जाते हो, मतलब कि आप फ्लुएंट हो जाते हो एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से। आप इस तरह से सामने आँखें में आँखें डाल करके एक दूसरे से बात कर रहे होते हो और कॉन्फिडेंस से बात कर रहे होते हो। ऐसा नहीं होता है कि फिर उसमें आप हेजिटेट होते हो और नीचे आँख कर लेते हो, तो भाई डर जाओगे, आप समझ लो। तीसरा यही है कि जो डर जाओगे, मैंने बोला स्केयर। जैसे कि कभी कभी मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ, जैसे मुझसे बातचीत करते करते सेकेंड इंटरव्यू जो था, जिसका कि मैं इंटरव्यू का मेरे पास भी है ऑलरेडी वो वीडियो, लेकिन मैं उसको डाल नहीं रहा हूँ बिकॉज हो सकता है कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए वगैरह उस कोचिंग इंस्टीट्यूशन से। तो कुछ समय बाद मैं देखूँगा तो डाल भी सकता हूँ, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो। सिलेक्शन हो जाने के बाद तो वो फिर चैनल ही डाल देगा, आई होप, अगर मैं अच्छा सिलेक्ट होता हूँ तो। बट अगर नहीं हुआ तो भी मैं कोशिश करूँगा कि डाल दूँ। तो उसमें मैंने क्या किया था कि मैंने एक चीज़ देखा था कि जैसे ही जो इंटरव्यू होते हैं वो अपना चश्मा जैसे ही यहाँ से अब हटाते हैं और हाथ अपना ऐसे करते हुए आपसे आगे की ओर जब झुकते हैं, तो उसमें आप बहुत थोड़ा सा डर जाओगे, घबरा जाओगे। तो ऐसी चीज़ें आपको आदत सी हो जाएगी अगर आप लगातार मॉक टेस्ट दे रहे हो तो। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती हैं। चौथी चीज़ जो ये हो जाती है कि बिगिनर्स के लिए एक बहुत ज़्यादा वरदान साबित हो जाता है। लाइक आपने ऑलरेडी मॉक टेस्ट दे रखा है 2-3 साल पहले या 1 साल पहले, 2-3 कम से कम दे रखा है, तो आपको क्या होता है कि आइडिया होता है कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड
और वो बायोडाटा से कैसे पूछते हैं, डेफ से कैसे पूछते हैं, आपके हॉबीज़ पर कैसे पूछते हैं, आपके कॉलेज के जो नाम है उस पर भी सवाल बन जाते हैं, तो वो कैसे पूछते हैं। तो आप क्या हो सकते हो कि आप क्वेश्चन सब जेनरेट अब कर पाते हो। तो सब जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन जेनरेट हो जाएंगे, लाइक अभी किसान आंदोलन चल रहा है तो उस पर से हो जाता है कि आखिर पंजाब में क्यों, ये पंजाब के लोग ही ज़्यादा इसमें क्यों संलग्न है, किस तरह से हानि करेगा। और फिर अगर आपका बायोडाटा है तो आपके बायोडाटा से कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो वो आपको एक तरह से नॉलेज हो जाते हैं। अधिकतर लोगों को ये नहीं पता होता तो कुछ और ही तैयारी कर रहे होते हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाया था, दैट वाज द वेरी हॉलिस्टिक वीडियो, आप यहाँ पर आई कार्ड में पर भी आप देख सकते हो, ठीक है। उस आई कार्ड में मैंने इस वीडियो में बताया था आपको कि ये बहुत ही हॉलिस्टिक वीडियो था, 1 घंटे 9 मिनट का वीडियो था। इसमें मैंने अपने एक्सपीरियंस ही नहीं शेयर किए थे, इंटरव्यू के साथ साथ मॉक इंटरव्यूज के भी से भी मैंने इसको तुलना किया था। तो एक तरह से मैंने ये सबसे हॉलिस्टिक वीडियो बनाया था जिसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर कर रखी थी, जिसमें कि मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो मैंने सीखा था एक्सपीरियंस के अनुसार। कोई मैं टिप नहीं दे रहा था, कोई मैं टिप्स नहीं दे रहा था, बस मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार मैं आपको बता रहा था। तो अगर आप अंतिम तक देखते हैं तो वो सिर्फ इतना ही नहीं आप देख पाते हैं, आप एक चीज़ और देखेंगे कि उसमें मैंने कुछ मिथ्स थे जो मैं भी जिस मिथ से ग्रस्त था, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा रीजनिंग जैसे सवाल आपसे पूछ देंगे कि जैसे मैं जब इंजीनियरिंग में था तो उसमें कुछ सवाल पूछ दिए जाते थे कि ये बताओ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ओनली गौरव अग्रवाल कुड सॉल्व दिस पर्टिकुलर रीजनिंग। तो मुझे लगता था कि बाप रे इतना टफ सवाल होता उसमें, वो आपके सिचुएशन बेस्ड हो जाएंगे और आपके करियर बेस्ड, आपके बैकग्राउंड बेस्ड ही रहते क्वेश्चन। तो वो सब सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते, ये नहीं कि मुर्गा अंडा देता है तो कहाँ गिरेगा, तो फिर बाद में पता चले कि अरे मुर्गा तो अंडा ही नहीं देता, इस तरह के सवाल वो नहीं पूछते, मजाक नहीं करेंगे आपसे। हाँ, अगर आपने रीजनिंग ही बोल दिया है कि मेरी हॉबी ही है तो उसमें शायद चांसेस बन सकते हैं, लेकिन ये 1000 में से 1-2 लोगों से ऐसे कुछ पूछे जाने की संभावना है। तो उल्टा पुल्टा कुछ भी आप ना पढ़ते रहें तो दिस इज़ माय रिक्वेस्ट। आठवीं चीज़ मैं ये बताऊँगा कि होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं होती जस्ट बिफोर फेसिंग द रियल इंटरव्यू, लाइक कि क्या पहने क्या नहीं पहने, क्या चीज़ छोड़े। तो वहाँ पर क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो कि इसकी तैयारी के लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था, हालांकि वही दैट इज़ द 4th पार्ट जो 64th इंटरव्यू का जो वीडियो है उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगा। तो उसमें मैंने बहुत कुछ बताया था। तो उसमें आप क्या करो कि इसके लिए आप क्या करो कि आप जो भी आपके सवाल है, जैसे कि आपके कोई सवाल आ रहे हो कि क्या मैं ब्लेजर पहन के जा सकता हूँ, या फिर क्या मैं ब्लेजर पहन के जा सकती हूँ, अगर आप महिला भी हो क्या साड़ी पहन के जा सकती हूँ महिला होने के नाते, सूट पहन कर जा सकती हूँ, या फिर मैं क्या मैं चश्मा लगाना है, या क्या फिर मुझे शेव्ड क्लीन शेविंग के साथ जानी चाहिए, या फिर आप स्टबल रख सकते हो जैसे कि थोड़ी थोड़ी जो दाढ़ी होती है वो रख सकते हो, क्या मस्टेश को बिल्कुल सेव कर देनी चाहिए, या फिर आप जो होते हो कि स्टाइलिश वे में आप इसको रख सकते हो। तो ये सब सारी चीज़ें जो के लिए आप क्या करो कि यूट्यूब पर जाओ और कुछ इंटरव्यू के जो मॉक इंटरव्यू चल रहे उसमें आप एंट्री से लेकर के एग्जिट तक का देख डालो। उसमें क्या करो कि आप उस पर गौर करो कि क्या वाकई में इसे ब्लेजर पहन रखी है, तो आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। क्या इसने क्या कहते हैं उसको टाई पहन रखी है, तो सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। क्या वाइट शर्ट ही पहनना जरूरी है, तो वो सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। क्या साड़ी पहनना जरूरी है, क्या बिना साड़ी के नहीं जा सकते। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें के लिए आप क्या करो कि पूरा अंतिम तक भले ही मत देखो, लेकिन वो सवाल का जवाब पाने के लिए आप थोड़ी देर तक देखो। तो इससे क्या होगा कि आप जितने ज़्यादा सवाल पूछेंगे उतना ही ज़्यादा आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, उस तरह से अगर आप करते हो तो। लेकिन अगर मॉक इंटरव्यू ज्वाइन करते हो तो डायरेक्ट आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि आप आसपास से लोगों को से भी सीख सकते हो कि वो ऐसे व्हाइट ही शर्ट नहीं पहना, अलग शर्ट भी आप पहन के जा सकते हो। उससे आप देख सकते हो कि उसने मस्टेश अलग रखा हुआ है, उसने मूछ अलग रखी हुई है, दाढ़ी अलग रखी हुई है, अलग तरीके से रखी हुई है, तो वो भी आप समझ जाओगे कि हाँ ऐसे भी हो सकता है। प्लस आपको लास्ट में वो रिव्यू भी देते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि रिव्यू भी वो देते हैं लास्ट में कि दिस पार्ट वॉज नाइस, दिस पार्ट वॉज नीड टू बी इम्प्रूव्ड, आपको पता नहीं होता, तो ये बेनिफिट हो जाता है। 11वीं चीज़ मैं ये बताऊंगा कि जैसे कि यूपीएससी के इंटरव्यू में आप क्या होता है कि जो 22 शेड्यूल्ड
जो लैंग्वेजेज हैं उनमें से आपको क्या होता है कि कोई एक चूज करना होता है, आप उसमें वार्तालाप कर सकते हो उसमें इंटरव्यू में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने इंग्लिश भी जो आप चूज कर लिया है, मतलब चूज करने के तो ऐसे ऑप्शन नहीं मिलता है, प्रपत्र वन में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आपको दिखेगा, लेकिन डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो यूपीएससी का होता है उसमें आपको ये सब ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर यूपीएससी है यूनियन वाला है, तो उसमें साउथ इंडिया से भी होते हैं, वेस्ट इंडिया से भी होते हैं, ईस्ट इंडिया से भी आपको इंटरव्यूअर आते हैं। तो वो क्या होता है कि उनको वो आपका जो जो समय और डेट दिया जाएगा वो उसी हिसाब से रहेगा कि आपको एक हिंदी वाला सेक्शन ही अलग रहेगा, एक इंग्लिश वाला सेक्शन ही अलग रहेगा। ये नहीं कि वो 2200 लैंग्वेज में वो एक्सपर्ट होंगे, ऐसा नहीं होगा। जैसे कि जिन्होंने बीपीएससी मेंस भी दिया होगा तो उनको पता होगा कि जैसे कि आपका सोशियोलॉजी पढ़ गया, हिस्ट्री पढ़ गया मेंस, तो उसके लिए अलग सेंटर ही एक हो जाता है। ये नहीं कि उसी आप जहाँ पर सेंटर जीएस का दे रहे हैं वहीं पर एक अलग डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी का पड़ गया या फिर हिस्ट्री का पड़ गया, जहाँ पर आपको क्या होगा कि वहाँ पर आपको जाने को कहेगा, वैसा नहीं होता है। सेंटर ही अलग कर देता है बिल्कुल, क्योंकि वो ऑप्शन वाला हो जाता है। तो जितने भी सोशियोलॉजी के हैं जो ऑल अराउंड बिहार में कहीं पर भी आप दे रहे थे जीएस का, अब एक जगह पर आकर के देंगे। तो सिमिलरली वहाँ पर यूपीएससी में भी इसी तरह से होगा, एक एक अलग ही सेक्शन, एक ही जगह पर आपको जाना होगा जहाँ पर सारे हिंदी वाले लोग होंगे या फिर सारे आसामीज बोलने वाले लोग होंगे, उड़िया बोलने वाले लोग होंगे, तो इस तरह से होंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि वहाँ पर होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर अपने इंग्लिश जो अगर आपने ऑप्ट कर भी लिया है, मतलब कि आपके दिमाग में है कि इंग्लिश में ही मैं बोलूँगा क्योंकि मैंने मेंस में इंग्लिश में दिया है, तो भी आपको हिंदी बोलना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाती है मॉक से, तो मॉक की जो क्वाइट बेनिफिशियल इन दैट केस, क्योंकि कभी कभी चीज़ें आपको कुछ टेक्निकल टर्म होते हैं जहाँ पर आप फंस जाते हो, जैसे कि अगर श्रम शीतोष्ण बोल दिया आपको तो अपने समझ में आएगा, या फिर बोल दिएगा कि कुछ भी इस तरह से जहाँ पर कि आप जैसे विषय वस्तु क्या है इसके, जैसे मुझसे पूछा गया था कि पाल कला और का विषय वस्तु क्या था, तो मुझे समझ में नहीं आता विषय वस्तु क्या, तो मैंने आंसर ही अलग दे दिया था। तो फिर बाद में समझाया उन्होंने कि नहीं, विषय वस्तु मतलब थीम, सेंट्रल थीम, तो समझे। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं जो आप हिंदी में, अगर इंग्लिश आप हिंदी में जा रहे हो तो थोड़ा स्विच करने में प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन आप वहाँ से पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपने मॉक दिया रहेगा, अगर नहीं भी दिया है तो कोई सुनिए मैं बता दूँगा लास्ट में। तो ये हो जाती है जो 13 पॉइंट है कि विदाउट मॉक कैन बी कॉम्पनसेट और कैन बी मेकअप, जी जरूर, क्या उसके बिना भी क्षतिपूर्ति की जा सकती है, अवश्य की जा सकती है। इसी तरह से जैसे कि मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, एक आप अपने मोबाइल स्मार्टफोन को या फिर कोई भी कैमरा हो तो उसको सामने इस तरह से रख दें और उसको रिकॉर्ड करते रहें 20 मिनट तक। आप क्या करें कि इस तरह से अपने आप मन में सवाल पूछते जाएं और उसको जवाब आप देते जाएं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप कोशिश करें कि कम से कम 30 क्वेश्चन, 25 से लेकर 30 क्वेश्चन 20 मिनट के अंदर में आपसे पूछ दिया जाए, जिसमें कि एक ओपन एंसर्ड आंसर्स भी हो। जैसे क्या आप इंजीनियर हैं, तो आप हैं तो बोल दीजिए हाँ और नहीं तो नहीं, ठीक है। इस तरह से भी सवाल एक दो पूछे जा सकते हैं, तो उस तरह से भी रखें। अगर हाँ तो उसको आप एक्सप्लेन करने के लिए वो बोलेगा, तो उस हिसाब से अपने दिमाग में बना के रखें कि वो बोल देगा कि क्या इंजीनियरिंग लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। इस तरह से सवाल आप अपने मन में बनाए रखें, इससे आपको क्या होगा कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये 20 मिनट वाला ये आप कर सकते हैं एक 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 बार में। जो दूसरा बेनिफिट ये हो जाता है कि जो 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 अगला चीज़ जो आपको करना चाहिए कि उसी 20 मिनट को आप तीन बार करें एक दिन में, अंतिम सप्ताह में। जैसे कि अगर आपका 7 दिन बाद है तो 7 दिन पहले से आप स्टार्ट कर दें। इससे क्या होगा कि आप 21 कम से कम मॉक टेस्ट अपने आपको दे रख चुके होंगे, और ये सब कुछ देखने के बाद आप क्या होगा कि उस वीडियो को फिर से देखें कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो ये बेनिफिट हो जाता है मॉक में कि आपको डायरेक्ट बता दिया जाता है, अगर नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 14वीं पॉइंट ये है कि आपको जेस्चर आपका ठीक हो जाता है। लाइक कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि इस तरह से हाथों को नहीं रखते, इस तरह से वो इस तरह से करके अपनी गोद में रखे हुए रहते हैं, तो ये भी कुछ उतना नहीं ख़राब माना जाता है। लेकिन यूजली इंटरव्यू में सजेस्ट किया जाता है कि इस तरह से हाथ को रखिए, इस तरह से अपने थाई पर, ठीक है। तो ये आपको पता चलेगा वो हिलती डुलती नहीं है, जैसे कैसे सवाल पूछते पूछते आपको क्या होगा कि आदत हो जाती है अधिकतर लोगों को कि वो सवाल को जवाब में
अपने हाथ का इस्तेमाल करने लगते हैं। जैसे कि जो मुझसे सवाल पूछा गया था, एक मैंने बताया भी था, अगर आप फोर्थ वीडियो को फिर से देखें जिसमें कि जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है उसको, मैं एक सवाल मुझसे पूछा गया था कि क्या मतलब कि विदाउट व्हील क्या आप क्या कर सकते हो, कि कोई ऐसा चीज़ का नाम बताओ। तो मैंने कन्वेयर बेल्ट एंड रोबोटिक आर्म बताया था। तो मेरी पहले आदत थी क्या कि मैं डायरेक्ट हाथ का इस्तेमाल करने लगता था। जैसे मैं बोल दूँगा कि कुछ भी बताने के लिए मैं बताता कि जैसे मैं ऐसे बोल लूँगा कन्वेयर बेल्ट से एक रोबोटिक आर्म, इस तरह से मैं हाथ का इस्तेमाल कर। तो इसको क्या होता है कि इसको आप अवॉइड कर पाएंगे मॉक टेस्ट अगर आपने ज्वाइन किया है तो, नहीं किया तो आप इसको फिर से वही सामने से बिल्कुल इस तरह से प्रैक्टिस करनी होगी। कोशिश करें कि आप पूरा का पूरा जो शरीर का ये पैर तक का ही हिस्सा दिखे, बहुत दूर थोड़ा कैमरा रखें, उस हिसाब से कैमरा में तो उस हिसाब से रखें कि पूरा पूरा कवर हो जाए। बेनिफिट्स ये हो जाता है कि आपको करंट अफेयर्स से भी चीज़ें आपको एक तरह से रिवाइज हो जाती हैं, क्योंकि आप जानबूझ कर उसके लिए भी पढ़ोगे। अधिकतर लोग पढ़ नहीं पाते किसी वजह से, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं लास्ट में। अभी रिजल्ट आने के बहुत कम में वक्त होता है, लाइक उनको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वगैरह भी पढ़ने होते हैं, प्लस कुछ ज़्यादा ही डीप में जा कर के पढ़ना होता है, क्वेश्चंस बनाने होते हैं, बहुत सारा नोट्स बनाने होते हैं जिसमें क्वेश्चंस के नोट्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि करंट अफेयर्स वगैरह पर भी आपको ध्यान चला जाता है कि किस तरह से करंट अफेयर्स आप पूछते हो पूछ सकते हैं। लाइक जैसे मैंने उदाहरण दिया कि अभी किसान आंदोलन तो वेस्ट में ही क्यों हो रहा है, और इससे क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या हानियाँ हैं, MSP क्या होता है वगैरह चीज़ें, आपको सवाल का जवाब आप जेनरेट कर पाएंगे। विदाउट एनी एक्सपीरियंस आप जेनरेट नहीं कर पाएंगे, आप कुछ भी आप सोच सकते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस। तो दैट इज़ गोइंग टू बी सॉर्ट ऑफ वेरी वेरी हार्मफुल टू यू, क्योंकि आपके दिमाग में ही नहीं आएगा कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी रेज्ड। तो वहाँ पर आपको ध्यान इस चीज़ को आ जाएगा कि ये आपको फ्लुएंसी ले आएगी कि करेंट अफेयर्स से भी कैसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है, और आपके ऑप्शन वगैरह से तो होंगे। तो ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं दैट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल अगर आपने पूरा देखा होगा तो। और मैंने जैसे बताया कि टेलीग्राम का जो चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। और थैंक्स अलॉट जिन्होंने भी अभी तक यहाँ तक साथ दिया है, बहुत ज़्यादा आपने प्यार दिखाया, और हमारे सारे वीडियोस को देखें, बहुत ज़्यादा व्यूज भी आए और कई सारे सब्सक्राइबर्स भी आए। और टेलीग्राम पर जैसे आपने प्यार दिया है, यहाँ पर भी आप क्या करें कि जस्ट ज़रूर अपने इस चैनल को पसंद करें और रिस्पेक्ट करते रहें, पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।